फ्यू गुड थिंग्स अबाउट यूनिवर्सिटी, वी आर अ क्यूएस 5-स्टार रेटेड यूनिवर्सिटी। हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी जॉब एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है दैट इज 95%, क्योंकि आप जब बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं सो आपका मेन पर्पज होता है वहाँ जाके सेटल होना। सेटल होने के लिए, पीआर लेने के लिए, वहाँ पे लोकल जॉब, टैक्सेबल इनकम, वो जॉब जो विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स योर पीआर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव 95% जॉब एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट व्हेनेवर यू आर चूजिंग अ यूनिवर्सिटी। हमारा जो एलुमनाई नेटवर्क है दैट इज़ अबव 90,000। वी हैव ट्रेंड मोर प्रैक्टिसिंग लॉयर इन द यूके देन एनीवन एल्स। हमारे जितने भी लॉ के और बाकी प्रोग्राम्स हैं वो एक्सपर्ट्स उसको पढ़ाते हैं जो कि खुद एक्सपीरियंस होते हैं, ना सिर्फ के टीचिंग मगर हमारे जो लॉ पढ़ा रहे हैं वो खुद बैरिस्टर सॉलिसिटर होते हैं जो कि उस प्रोग्राम को पढ़ाते हैं, जिनका उस फील्ड में बड़ा प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है। हमारे पास एक एक्सपर्ट कैरियर सर्विस है जिसकी वजह से हम आप लोगों को कैशबैक, आपकी जो फीस है वो भी बहुत सारे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें आपको ऑफर करते हैं। वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड जो आपको कहती है अगर आपको जॉब नहीं मिलती है प्रॉपर 9 मंथ्स में आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिग्री, सो यू कैन टेक योर मनी बैक जो आपने फीस दी हुई है। वी आर लोकेटेड इन मल्टीपल लोकेशंस है हमारे पास, उसमें से 8 कैंपस यूनिवर्सिटी ब्लॉक हैं जिसमें 2 लंदन में है, बाकी 6 उसके अलावा मैनचेस्टर, लीड्स, बर्मिंघम, नॉटिंघम, ब्रिस्टल, इन जगहों पर हैं। उसके अलावा हमारे पास पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं 9, बहुत अच्छी 9 यूनिवर्सिटीज में 2 इंटरनेशनल ग्रुप भी हैं जो कि हमारा लॉ पूरा प्रोग्राम अपने पास, दे टॉट ऑल ओवर प्रोग्राम जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है, दे हैव ईस्ट एंग्लिया, शेफील्ड, एक्सिटर, न्यूकासल, साउथहैम्पटन, चेस्टर, रॉयल हॉलोवे, ये सब हमारा लॉ प्रोग्राम पढ़ाते हैं। इसके अलावा गिज्मा स्कूल बर्लिन, दे ऑल टॉट ओवर प्रोग्राम्स। हमारा जो नेटवर्क ऑफ एलुमनाई है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लास्ट 2 जो लंदन के मेयर्स हैं साजिद खान जो थे, लास्ट 2 मेयर, 2-टाइम मेयर हैं, वो हमारे एलुमनाई है। बहुत सारे यूके के पार्लियामेंट में जो एक ह्यूज प्रपोर्शन हमारे एलुमनाइज का है। सो दिस इज़ ब्रीफली अबाउट यूनिवर्सिटी फ्लॉ। बाकी साथ साथ हमारे पास, मैं आपको थोड़े से कोर्सेज की आउटलाइन दे देता हूँ कि व्हाट डू वी ऑफर। बेसिकली मैं आपको कोर्स आउटलाइन क्या है और क्या ऑफर करते हैं ताकि आप लोगों के लिए फिर उसमें फर्दर चीज़ें आसान हो जाए। हमारे पास अंडरग्रेड में बिजनेस है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग है। वी हैव मास्टर्स में हमारे पास बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिजनेस एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट है। देन वी हैव अंडरग्रेड LLB, हमारे पास अंडरग्रेड में है। हमारे पास मास्टर्स में LLM के 23 स्पेशलाइजेशन हैं, देन जिसके अंदर LLM क्रिमिनोलॉजी, बैंकिंग, डेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डाटा प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयबिलिटी लॉ, एनवायरमेंट लॉ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड देयर मैनी मोर। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज रिनाउंड इन द वर्ल्ड, वी हैव LLMSQ1, LPC लीगल प्रैक्टिस कोर्स एंड बार प्रैक्टिस कोर्स BPC। वी आर the university which produce massive number of barristers and aap samjhe agar ek saal mein London ke jitne barrister pass out hote hain usme 50% bhi university of law ke akele hote hain. So these are the courses which we are offering. We are working with 91 top employed jo firms hain in UK and Ireland and Wales, jinme se 100 mein se top 91 ke sath hum kaam karte hain. Hamara jo student hota hai unka desired employee hota hai. One more thing which makes our student very different from other universities, we have something which you call pro bono experience, especially for law students. Pro bono experience ऐसा है कि हमारी एक चैरिटी बनी हुई है जिसमें हम कुछ फंड्स अपने पास चैरिटी में रखते हैं यूनिवर्सिटी के, कि कुछ ऐसे लोग जो डिजर्विंग हैं उनके बिहाफ पे हम केस लड़ते हैं। वो केस हमारे कोर्ट रूम्स बने हुए अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें वो केस लड़ते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो उस केस की हेयरिंग को ड्यूरिंग देयर स्टडी लाइव सुनते हैं, और इसके बाद जब वो बाहर जाके जब केस लड़ने जाते हैं, सिमिलरली यू कैन से जब एक बंदा एक आप बहुत सी कंट्रीज इनका स्पोर्ट्स का या बाकी सेटअप ऐसे बने हुए हैं कि वो जब अपने होम मैचेस खेलते हैं तो उनका बहुत सारा क्राउड होता है, और जब वो इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हैं तो दे डोंट फेस दैट फियर, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, उनके लिए वो नई चीज़ नहीं होती और उनके लिए वो एक ईजी गोइंग होता है। तो सिमिलरली हमारा जो स्टूडेंट होता है वो ऑलरेडी इतनी केस शेयरिंग में बैठ चुका होता है, डिसीजन चीज़ें देख चुका होता है कि जब वो एक लाइव केस लड़ने जाता है कहीं पर तो उसके लिए वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे हिसाब से आप लोगों को बताना बेसिकली जरूरी थी। इसके अलावा मेरा एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनी डिटेल यू वांट और एनी फर्दर डिटेल यू लाइक मी टू डिस्कस, आई एम अप फॉर दैट।
थैंक यू सो मच फरहान. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी मुझे लगी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की, वो दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक नोटिसेबल है. थिंग नंबर वन कि आप लोग गारंटी करते हो 100% मनी बैक की, कैश बैक की. अगर स्टूडेंट्स को कहीं पर कंप्लेन होती है कि दे आर नॉट गेटिंग दी जॉब्स आफ्टर देयर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ. एंड सेकेंड चीज ये कि जो आप लोग प्रैक्टिस दे रहे हो, लाइक लाइव हियरिंग्स है एंड दे आर सिटिंग विद दी एक्सपर्ट सॉलिसिटर्स और बैरिस्टर्स, तो डेफिनेटली वो उनको जो चीज मिल रही है, जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो उससे उनकी जो डिग्री जो कि आप लोग यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं उसी के साथ साथ उनको एक प्रैक्टिस का भी जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो ये तो बहुत दोनों अच्छी चीजें हैं. उसमें होता है कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के लॉ प्रोग्राम जिसमें LPC के LLM SQ1 SQ2 पे है, और उसमें पोस्ट ग्रेजुएट के बिजनेस कोर्सेज में बहुत सारे के अंदर, जैसे MBA हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिजनेस एथिक्स है, एंड देयर मेनी मोर. देयर इज अ ह्यूज लिस्ट फॉर MSc बिजनेस प्रोग्राम्स जिसके अंदर हम ऑफर करते हैं. अच्छा, हाउ वी गो अबाउट इट, कि एक बच्चा है उसने जब अपनी डिग्री कंप्लीट की उसके 9 मंथ्स में जब बच्चा वो नहीं प्रॉपर जॉब सिक्योर करता, वो वाइट कलर जॉब जो उसको अपने आप समझे PR की तरफ लेके जाती है वो सिक्योर नहीं करता, तो उस बच्चे को हम ऑप्शन देते हैं कि आप अपना पैसा या 50% कैश ले लें और बाकी 50% हम से कोर्स पढ़ लें. ठीक है, तो दीज आर द ऑप्शन. स्टूडेंट का जो ऑप्शन है 50% कैश ले, बाकी के पढ़ना चाहे ना पढ़ना चाहे या कुछ कोर्स पढ़ना चाहे, तो बट वी आर ऑफरिंग द फुल अमाउंट बट इन टू कैटेगरीज. नंबर वन. नंबर टू, द बेस्ट पार्ट इज दैट क्या बच्चे ये क्लेम करते हैं, सो देर हार्डली स्टूडेंट्स विच क्लेम दैट, बिकॉज हमारा जो स्टूडेंट सपोर्ट टीम है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि वो बच्चे को डिग्री कंप्लीट होने के बाद उससे फॉलोअप पे नहीं आती है थ्रू आउट द कोर्स, और एक स्टेज के बाद वो बच्चे का इतना रेगुलर इन टच होते हैं कि उसका CV कैसे बनाना है, उसने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, उसने किस जगह पर जॉब अप्लाई करनी है, कौन से एम्प्लॉयर हैं जो हमारे स्टूडेंट के स्टूडेंट्स को फॉरन लेते हैं, उसको जाके बात कैसे करनी है, इंटरव्यू का मॉक कैसे करना है. सो दे थ्रू आउट कीप ऑन टेलिंग स्टूडेंट के क्या करना है. फिर जब उसकी डिग्री कंप्लीट होती है उससे इन टच रहते हैं कि कहाँ कहाँ ये देखें जॉब सही में आपने अप्लाई किया है, ये इंटरव्यू क्या किया है. सो देर हार्डली अ स्टूडेंट जो इसको क्लेम करने की स्टेज पे आता है, बिकॉज अगर यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी ऑफर दे रही है तो ऐसा नहीं होगा ना कि हम बगैर वर्किंग के उसको ऑफर करें. वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड विच गिव्स दिस ऑफर. सो वी हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन दैट, वी हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दैट. एक सेपरेट टीम है which make sure कि स्टूडेंट स्टेज पे ना आए हमारा बच्चा. दैट इज द रीजन वी हैव 95% एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो. जो बाकी 5% उसका मतलब ये नहीं होता कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, उसमें से एक बहुत मेजर इशू ये होता है जो लोग किसी वजह से वापस आ जाते हैं या अपना बिजनेस का कोई भी चीज ऐसी कर लेते हैं जो जॉब सीकिंग पे नहीं जाते. सो टेक्निकली वी हार्डली फेस अ स्टूडेंट जिसको जॉब नहीं मिल रही होती. इट शोज योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, और प्लस स्टूडेंट को भी कॉन्फिडेंस मिलता है. और एक कोई भी स्टूडेंट होता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से अगर डिग्री अपनी कम्प्लीट करता है लॉ के अंदर, स्पेशली दो यू आर पीपल आर ऑफरिंग बिजनेस कोर्सेज एज वेल, तो उसके लिए वही जो ये चीज़ थी, ये डिग्री भी इनके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है बिकॉज यू पीपल आर विद द रसल ग्रुप्स ऑल्सो, तो आपकी रैंकिंग भी जो है दैट इज़ रियली वेरी गुड थ्रू आउट द UK एज वेल. और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली UK से जाके लॉ के अंदर पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा भी जो यू लॉ आपको जैसे आपने फरहान ने बताया कि बहुत सारे कोर्सेज आप लोग ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जो लॉ के जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से अच्छा ऑप्शन आई डोंट थिंक कि हम कोई इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं. पर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टूडेंट्स के लिए है वो है उनके एंट्री रिक्वायरमेंट, यानी क्या आप लोग की जो है एंट्री रिक्वायरमेंट है. अगर हम इंग्लिश की तरफ भी देखते हैं या फिर परसेंटेज की तरफ भी देखते हैं स्टूडेंट्स की, तो क्या फ्लेक्सीबिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए. देखिए, हमारा जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है ना वो डिफर करती हैं प्रोग्राम टू प्रोग्राम. अंडरग्रेड में भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, हमारे मास्टर्स में प्रोग्राम है, हमारे लॉ के स्पेशलिस्ट प्रोग्राम्स भी हैं. सो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू इसके ऊपर दे देता हूँ, बाकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर डेफिनेटली एवरीथिंग इज अवेलेबल. टू पुट इट सिंपल, हमारे पास जो अंडरग्रेड में बच्चा आता है अगर वो इंटर करके आ रहा है और उसके पास अगर 75% मार्क्स हैं सो वो डायरेक्टली एलिजिबल है फॉर एडमिशन इन अंडरग्रेड. अगर उसके 60-75 इन बिटवीन मार्क्स हैं सो देन स्टूडेंट हैव टू गो थ्रू अ फाउंडेशन. ठीक है, ये एक डिफरेंट आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे ग्रेड कितने हैं. अगर उसे फाउंडेशन लगती है तो वो 4 साल के प्रोग्राम में जाएगा, अगर वो डायरेक्टली एलिजिबल है तो वो 3 साल के प्रोग्राम में जाएगा. इसी तरह ए लेवल के लिए रिक्वायरमेंट्स है सेपरेट, जो बच्चा ए लेवल करके आ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट सेपरेट, जो बच्चा
हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है वो डिफरेंट है। इसी तरह मास्टर्स में भी अब डिफरेंट प्रोग्राम्स जिसे हमारे पास हम जो जितने भी बार प्रैक्टिस कोर्स है उसके लिए 2-2 हमें रिक्वायर्ड है, और जो एम एस सी प्रोग्राम्स हैं या डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स के उसके लिए हमें 2-1 रिक्वायर्ड है या 51% रिक्वायर्ड है। सो ये बेसिक डिफरेंट है। इसके अलावा वी डू सेप्ट आइल्स एंड वी डू सेप्ट पी टी एज वेल। हमारे पास जो उसके अलावा एक इंटरनल टेस्ट है जिसको हम कहते हैं यूलेट। यूलेट हमारे पास जो एक इंटरनल टेस्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसके लिए हम कुछ चार्ज नहीं करते थे बच्चे से, विच इज़ प्रीटी मच लाइक आइल्स, और उसकी स्कोरिंग भी आइल्स की तरह ही होती है। तो वो कोर्सेज ऐसे हैं जिसके अंदर हम उसमें आपको वो टेस्ट भी एक्सेप्ट कर देते हैं, यूलेट का टेस्ट भी। इसके अलावा हम फिलहाल कोई और ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वी ओनली टेक आइल्स, वी ओनली टेक पीटी एंड वी ओनली टेक यूलेट। ये मेन कोर्सेज हैं जो हम करते हैं। टोफल इसके अलावा करते हैं, यूजली बच्चे पाकिस्तान में दे डोंट वेट फॉर दैट। अच्छा, आप लोग ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्सेज जो है एक्सेप्ट नहीं करते, बट अगर सेट के अंदर कोई कोर्स आता है इन लैंग्वेज पर एकेडमिक होगा सो देन इट विल बी कंसीडर्ड। सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन क्लियरली, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा, पीटी और आईएलटीएस ये तो आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, और ऑनलाइन कोई टेस्ट आप लोग जैसे ऑक्सफोर्ड है नहीं एक्सेप्ट करते हैं या फिर लैंग्वेज सर्ट है नहीं करेंगे, लेकिन लैंग्वेज सर्ट का एक एकेडमिक वर्जन भी होता है जो सेट के अंडर आता है, तो वो आप लोग कंसिडर करते हैं या नहीं? नहीं, अभी हम वो नहीं ले रहे, फिलहाल हम सिर्फ ये टेस्ट ही ले रहे हैं। ठीक है, और जो आप लोग का जो इंटरनल टेस्ट है आपने मेंशन किया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर स्टूडेंट्स, तो वो इंटरनल टेस्ट जो है क्या आपके तमाम कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स इसके लिए आ सकते हैं? इफ यू थिंक दैट देयर इंग्लिश इज गुड, यस दैट इज अवेलेबल फॉर एवरी कोर्स। उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब बच्चे के अपनी ऑफर आती है, बच्चे को जब कॉल आईडी अपनी मिल जाती है स्टूडेंट आईडी, सो बच्चे ने खुद जाके एक लिंक होता है उस पर जाके अपने लिए टेस्ट बुक करना होता है, जिसकी 2-stage प्रोसेस होता है। बच्चा जब बुक करता है उसको एक कंफर्मेशन ईमेल आती है और उसको डेट मिल जाती है कि आपका इस डेट का टेस्ट है। उस टेस्ट डेट से 8 से 10 दिन पहले बच्चे ने अपनी ऑनबोर्डिंग करना मैंडेटरी है, जिसका एक प्रोसेस उसको ईमेल में आ जाता है कि आपने किस तरह अपना पासपोर्ट वगैरह दिखा के कुछ चीज़ें दिखा के ऑनबोर्डिंग करनी है। अगर बच्चा अपनी ऑनबोर्डिंग नहीं करता तो वो लास्ट मोमेंट पर टेस्ट जाकर डायरेक्टली नहीं पेयर हो सकता, सो दैट इज मैंडेटरी कि बच्चा अपनी ऑनबोर्डिंग एक टाइम लाइन जो दी उससे पहले करेगा, और उस पर एक ही अटेम्प्ट मिलती है उसको। अच्छा, 1 अटेम्प्ट जी। ठीक है, अच्छा फरहान, मुझे कुछ ऐसी न्यूज मिली है दैट यू हैव सम गुड चेंजेस आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स, तो वो क्या चेंजेस है अगर आप जरा हमें ऑन एयर बता दें, शायद स्टूडेंट्स के लिए काफी अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव हो। यस, वी हैव सम वेरी वेरी गुड चेंजेस व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जिसमें एक सबसे बड़ी चेंज ये है कि नाउ वी हैव सेट अप, जो हमारा कैश शील्ड का इंटरव्यू होता था वो प्रीवियसली हिस्टोरिकली डिपॉजिट से पहले होता था, और उसमें बहुत सारे बच्चे भी होते हैं पाकिस्तान के, और इस तरह होता था कि जो कुछ नहीं इंटरव्यू क्लियर करते थे उनका कैश रिजेक्ट होता था, फिर एक रिफंड प्रोसेस में जाते थे एंड दे हैव टू गो थ्रू दैट पेन, एंड इट सम टाइम बिकम डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा इंटरव्यू कैसे फेल हो गया। ठीक है, सो नाउ आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग एंड हार्ड वर्क व्हाट वी हैव डन, हमने जो कैश का इंटरव्यू है वो आपको पहले कर दिया बिफोर डिपॉजिट। उसका प्रोसेस ये है कि मैं आपको पूरा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बता देता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है एप्लीकेशन प्रोसेस से क्या प्रोसेस होगा, दैट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो फर्दर चेंजेज है मैं उसके ऊपर भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, नंबर वन एप्लीकेशन प्रोसेस ये कि बच्चा अप्लाई करेगा फॉर द कोर्स, ही विल रिसीव ऑफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। जब ऑफर आएगी उसके अंदर उसको कुछ कंडीशन लिखी होंगी, आइदर आइल्स की कंडीशन है या डिग्री कंडीशन है या SOP कंडीशन है। जब वो ये सारी कंडीशन मीट कर लेगा उसके बाद उसको कैश शील्ड का एक लिंक आ जाएगा उसकी ईमेल के ऊपर, वो अपने कैश शील्ड के लिंक पे जाएगा विदाउट सबमिटिंग एनी फीस, विदाउट सबमिटिंग एनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो कि प्रीवियसली हम बच्चे की स्टेटमेंट फीस सब लेने के बाद उसका इंटरव्यू करते थे, उससे पहले नहीं करते थे। अब वो सिंपली कैश लॉगिन डिटेल्स को मिलेंगी, वो अपना इंटरव्यू देगा, वंस ही क्लियर द इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसके बाद जो इनिशियल डिपॉजिट है £8,000 का वो इनिशियल डिपॉजिट जमा कराएगा £8,000। उसके बाद अपने जितने भी सबमिट करेगा फाइनेंशियल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सबमिट करेगा, और उसके बाद उसको जो अपनी कैश की स्टेटमेंट वगैरह रिसीव हो जाएगी, देन यू कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा। जब वीज़ा आ जाए फिर वो अपनी वीज़ा स्टिकर वगैरह में अपलोड करेगा, फिर उसकी इनरोलमेंट होगी। सो दिस इज द प्रोसेस। तो नंबर वन चेंज, द बेस्ट चेंज आई हैव सीन सिंस आई हैव बीन वर्किंग विद दिस यूनिवर्सिटी, हमने इंटरव्यू को बिफोर डिपॉजिट कर दिया। इसके इम्पैक्ट एक और बहुत बड़ा, बच्चे का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा सो आई विल डेफिनेटली गेट अ कैश, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस रिफंड वाले इशूज में हम जाएंगे, आप लोगों के लिए चीज़ें आसान है,
बच्चे को पता है अगर खुदा ना खास्ता उसका इंटरव्यू रिफ्यूज हो रहा है, सो यू हैव अदर ऑप्शन व्हिच यू कैन चूज फ्रॉम. एक इंटरव्यू होगा, अनलेस वी सी दैट स्टूडेंट इज ऑन अ बॉर्डर लाइन, और उसको हम एक सेकंड चांस दे सकते हैं, बट दैट्स नॉट फॉर एवरी स्टूडेंट, दैट इज वेरी पर्टिकुलरली हम बच्चे की रिकॉर्डिंग देखेंगे. अगर हमें लगेगा कि एक दो पार्ट से मिक्स हो रहा है, वी डू दैट. नाउ अनदर गुड चेंजेस व्हिच वी आर डूइंग इज, हमारे पास इस वक्त MBA प्रोग्राम्स आ रहे हैं व्हिच वर नेवर बिफोर. वी हैव MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिंग इन, वी हैव टॉप अप ईयर्स कमिंग इन. सो इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स सो हमारे सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी देयर, MBA भी आ गया है, टॉप अप प्रोग्राम भी हमारे पास अंडरग्रेड के अंदर वो भी आ रहा है. सो विच विल बी वेरी गुड चेंजेस फॉर द लोकल मार्केट, बिकॉज हमारी बहुत सारी मार्केट है जो इस चीज को केटर करती है. अच्छा, दो भी आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं, मगर एक चीज मैं यहाँ बड़ी क्लियर करना चाहूंगा. हमारे लोकली एक बहुत इंक्विटी है कि बार में और LPC में कौन सा बच्चा जा सकता है. मार्केट को लगता है कि हर बच्चा जो LLB कर रहा है वो इन कोर्सेज में चला जाएगा. सो इट्स अ वेरी क्लियर पॉइंट बिफोर आई फॉरगेट दिस, सो आई वुड लाइक टू क्लियर दिस पॉइंट. वेरी आसान लफ्जों में आपको चीज बताता हूँ ताकि जो बच्चे सुन भी रहे हैं उनके लिए ईजी हो जाए. फॉर एनी UK यूनिवर्सिटी या अगर यूलॉ की बात कर लें, जो बच्चा पाकिस्तान से LLB कर रहा है फ्रॉम एनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी है, IBA है, बहाउद्दीन की, कहीं से भी वो पढ़ रहा है, जो LLB कर रहा है 4 साल 5 साल, वो किसी भी UK में वहाँ पे डायरेक्टली बार के लिए या LPC के लिए या LLM SQ1 SQ2 के लिए मतलब सॉलिस्टर बनने के लिए या बैरिस्टर बनने के लिए डायरेक्टली एलिजिबल नहीं है, बिकॉज दे डोंट कंसिडर ओवर लॉ एज क्वालिफाइड लॉ. सो फॉर देम द ओनली वे आउट इज उनकी जो एजुकेशन जर्नी है वो एक साल की भर जाएगी, या वो PhD करेंगे या MLaw कन्वर्जन करेंगे, ये करके फिर वो अगले साल बार या सॉलिस्टर का कोर्स कर सकेंगे. ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान से सिर्फ वो बच्चे जो एक्सटर्नल डिग्री का प्रोग्राम पढ़े, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन का प्रोग्राम पढ़े, या वो पाकिस्तानी जिन्होंने UK से लॉ पढ़ा है, LLB किया है, वो डायरेक्टली एलिजिबल है बार और LPC में. सो फॉर एनी बॉडी जो पाकिस्तानी लॉ पढ़ा LLB करे, दे आर नॉट डायरेक्टली एलिजिबल, सिंपल स्ट्रेट अवे. उसकी डिस्टिंक्शन है 55% है 60%, वट एवर दे से, दे आर नॉट एलिजिबल रिगार्डलेस. ऑन द अदर हैंड जो बच्चा जिन्हें लंडन का पढ़ा है, ओनली 2000 स्टूडेंट वर एलिजिबल. तो ये एक बड़ा जरूरी पॉइंट है जो बच्चों को क्लियर होना चाहिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर इस तरह से करना चाहूंगी हमारे पास. अच्छा, एक चीज तो ये कि हमारे यहाँ से लॉ के जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है, तो दो के स्टूडेंट्स कितने भी अच्छे हों, उनका जो परसेंटेज है वो बहुत मतलब दैट वो 60 या 70 से अबव जो है इन एस्पिरेंट्स इन LLB आई एम सेइंग, वो इतना अच्छा नहीं होता. स्टूडेंट्स यही क्लेम करते हैं कि हमारे जो लॉ के जो जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो परसेंटेज पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है. एक इनको ये प्रॉब्लम होता है, एक ये होता है कि फॉर एग्जांपल 4 इयर्स का या 5 इयर्स का LLB यहाँ से करते हैं, फिर वो डायरेक्ट सॉलिसिटर या फिर बैरिस्टर का जो आप लोग का जो कोर्सेज हैं उसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते. इसको एक अगर थोड़ा सा आप अगेन बता दें कि इसका इनके लिए क्या करना होगा, इस चीज़ को जरा आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए भी रिपीटेशन अगर हो जाए एंड फॉर मी एज वेल. एज ए रिपीट, देखें जो बच्चा पाकिस्तानी लॉ पढ़ है किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से LLB कर रहा है, वो डायरेक्टली LPC या बार के लिए एलिजिबल नहीं, उसको PGDL या MLaw कन्वर्जन करना है. जो एक्सटर्नल प्रोग्राम पढ़ा है वो एलिजिबल है, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, अब एक दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आई कैन रिलेट टू द स्टूडेंट्स जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो टॉपर कोई 55% मार्क्स नहीं मिलते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटी लॉ होगी या कोई और यूनिवर्सिटी होगी, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर चलती है. हमारा अनफॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड हमारी कंट्री में कुछ यूनिवर्सिटी ने ऐसा बना दिया है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता. अब स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं उस यूनिवर्सिटी से रिलैक्सेशन लेने की जिधर वो पढ़ने अभी तक गए नहीं है, जहाँ एडमिशन नहीं हुआ, रादर देन दैट उस यूनिवर्सिटी से जहाँ वो 5 साल से पढ़ रहे हैं. अब वो 5 साल से जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, जिसको उन्होंने पैसे दिए हैं, वो उनको एक कवरिंग लेटर नहीं बना के देते, दे एक्सपेक्ट कि जहाँ हमने जाना है ना वो हमें रिलैक्सेशन दे दे, और वो भी वो यूनिवर्सिटी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर चल रही है. और एक यूनिवर्सिटी जिसने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, हम उसको किस तरह केटर करते हैं. हम एक बहुत बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट मिस कर जाते हैं इस वजह से खुद भी, बट दिस इज हाउ इट इज. फिलहाल हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहे हैं, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी का वी आर ट्राइंग कि हमें कोई उनको अंडरस्टैंडिंग करके कैसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर लें जो बच्चों को साथ दे दें, हम उसको कन्वर्जन पर ले जा सकें एज वी स्पीक. बट वी हैव ऑल्सो हर्ड दैट फ्यू यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग पंजाब यूनिवर्सिटी, आई थिंक उन्होंने रियलाइजिंग दिस इशू अपने ग्रेडिंग स्केल को शायद चेंज कर रहे हैं. सो सून वी माइट सी कि उनका ग्रेडिंग स्केल ऑटोमेटिकली ठीक कर लेंगे, वो तभी प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं. बट इट्स टू अर्ली टू से, वी हैव न्यूज़ कि ये चीज़ें चेंजेस हो गई हैं, मगर अब जो डिग्रीज आएंगी बच्चों के नवंबर दिसंबर में, हम उसमें जाकर पता चलेगा क्या चेंजेस हुई हैं कि नहीं.
ठीक है। अच्छा अभी आपने एक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज 54 है, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन आपने खुद भी जैसे आपको पता है इस चीज का, क्योंकि आप लॉ को ही डील करें तो आपको पता है कि लॉ के स्टूडेंट्स का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो क्या कोई कवरिंग लेटर या कुछ यूनिवर्सिटी शो कर सके, क्या वो हेल्पफुल होगा और वो किस तरह का अच्छा लेटर उसमें होगा? यूनिवर्सिटी नहीं शो कर सकती, उसमें ये होता है कि बच्चा बिल्कुल एनीबॉडी हुआ है 51-52% मार्क्स या उससे ऊपर है, 50 से ऊपर, आप जरूर उसको अप्लाई करें। वी डोंट हैव एनी एप्लीकेशन चार्जेस। उसके लिए होता है ये कि हम बच्चे को एक रिस्पॉन्स ऑफर में आता है मिटिगेशन सर्कमस्टांसिस रिक्वायर्ड। मिटिगेशन सर्कमस्टांसिस ये है कि बच्चा उसमें डिटेल लिख के देता है कि जी मेरे ये ग्रेड क्यों है। सो उसमें बच्चा एक्सप्लेन करता है कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी वो देती है 54-55 टॉपर्स को है। सो मेरे 51 है, मैं फिर भी गोल्ड पे हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी हूँ। वो डिटेल देता है, उसको कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ तरीके से देता है। सो वी डू कंसीडर दैट, दो वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 55%। प्रीवियसली हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट नाउ यूनिवर्सिटी को भी पता है कि ये चीज़ हमारे साथ है अनफॉर्चुनेट, सो हम उसमें से कुछ बच्चों को जरूर ऑफर दे देते हैं। सो एनी बॉडी हु हैव ग्रेड अबव 50% वी ऑलवेज रिकमेंड कि भाई अप्लाई करें, गो फॉर द मिटिगेशन सर्कमस्टांसिस। अगेन उसको डिटेल देने के, अप्लाई करने कोई चार्जेस नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, आपने दो तीन पैराग्राफ में अपनी डिटेल लिखनी है एंड वी विल सी कि हम उसको क्या कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो कवरिंग लेटर है जो स्टूडेंट खुद से लिखता है एंड एक्सप्लेन करता है, तो क्या यूनिवर्सिटी के किसी रजिस्ट्रार या फिर किस कोई पर्सन है जिसको उससे सिग्नेचर करवाने होंगे इस टाइम, या वो वो खुद करते नहीं स्टूडेंट है, की? वो दे वोंट डू इट। कर देंगे तो इट्स बेस्ट थिंग, बट दे वोंट डू इट। अगर वो यही साइन ऑफ ही कर दें तो वो कवरिंग लेटर वैसे भी बना के दे देंगे तो पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो यूजुअली दे डोंट डू इट। ओके। अच्छा फरहान, आपने हमें कुछ गुड चेंजेस बताई, जैसे कि बिफोर इंटरव्यू बिफोर डिपॉजिट हो गया या कुछ न्यू कोर्सेस हो गए आपके, तो क्या आप इसके लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर आवर जनवरी इनटेक? हाँ बिल्कुल, हमारे पास अभी जो कमिंग इंटेक्स हैं, वी हैव जनवरी, जनवरी में हमारे पास लॉ है एलएलबी अंडरग्रेड में, जनवरी की जो आ रही है। उसके अलावा हमारे पास फेबरी है, फेबरी हमारे पास एमएससी के कोर्सेज हैं, मास्टर्स के जितने कोर्सेज हैं, हमारे पास लॉट ऑफ एलएलएम कोर्सेज विच वी हैव इन कमिंग इन फेब। देन वी हैव अदर लॉ प्रोग्राम्स जो एक दो प्रोग्राम मार्च के अंदर भी हैं। सो डेफिनेटली स्टूडेंट कैन अप्लाई एंड गो लुक फॉर द इंटेक्स। हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च में मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो कि बच्चा अवेल कर सकता है। ओके। तो यानी अगर हमें जनवरी इनटेक के लिए कुछ स्टूडेंट्स को कोई डॉक्यूमेंटेशन या कहीं भी पेंडिंग हो रहा है, सो वी कैन हैव सम कोर्सेज इन फरवरी एंड मार्च एज वेल। नहीं, हमारा ऑलमोस्ट एवरी कोर्स इज अवेलेबल अदर देन अंडरग्रेड का जो बिजनेस है, उसके अलावा पर जनवरी फरवरी मार्च में सब कुछ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल। दिस इज रियली वेरी ग्रेट न्यूज फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं किसी का पासपोर्ट का इशू है, किसी का कुछ ट्रांसक्रिप्ट में प्रॉब्लम होता है, किसी की नेम स्पेलिंग नेम का इशू होता है, तो उस तरीके से अगर जो जनवरी के लिए इंटरेस्टेड हैं हमारे जो भी लिसनर्स हैं स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के साथ अपनी डिग्री को आगे जो है प्रोसीड करना चाह रहे हैं, तो दिस इज रियली वेरी गुड न्यूज फॉर यू कि हम हमारे पास फैकल्टी में भी और फिर मार्च में भी हमारे पास मास्टर्स के कुछ कोर्सेज अवेलेबल है। फरहान, हम लोग क्या बैचलर का कोई कोर्स अवेलेबल है और वी जनरल हैव का? एलएलबी। देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो क्लियरिंग में रह जाते हैं, विच वर नॉट एबल टू ज्वाइन ड्यू टू डेडलाइंस, क्लियरिंग में वो नहीं कर पाते हैं, सो हमारे पास एलएलबी के कोर्सेज हैं। एलएलबी है अंडरग्रेड में इन जनवरी, देन वी हैव बार प्रैक्टिस कोर्स मास्टर्स के लिए, और हमारे पास जो एलएलएम एसक्यू एन एसक्यू टू है और पीजीडीएल है, ये जनवरी में लॉ के कोर्सेज अवेलेबल हैं। फरवरी में एलएलएम के जितने कोर्सेज हैं 23-24 स्पेशलाइजेशन वो सारी हैं, एमएससी की जितनी स्पेशलाइजेशन है 14 वो सारी हैं। देन वी हैव इन मार्च अगेन एलएलएम एलपीसी, हमारे पास एसक्यू एन एसक्यू टू वो अवेलेबल है। सो वो बच्चे जो क्लियरिंग में नहीं जा सके या जिनके ग्रेड लेट हो गए और वो सितंबर में अंडर ग्रेड के नहीं जा सके, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को जनवरी के लिए इनरोल करें। कि वैसे भी अभी होता है कि बहुत सारे बच्चे क्लियरिंग में ट्राई जरूर करते हैं मगर वो वीज़ा नहीं टाइम पे आता और वो रह जाते हैं, वो इनरोल नहीं कर पाते हैं, फिर उनको दोबारा वीज़ा फीस देनी है या जो भी अपना स्टेटस चेंज करना है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास जनवरी इनटेक्स अवेलेबल है तो आप वहाँ पे ट्राई करें, ताकि आप एक रिलैक्स पीस ऑफ माइंड के साथ जाएं, टाइमली अपनी चीज़ें मेंटेन करें, सब कुछ करें। वी आर ओपन, हमारी एप्लीकेशन खुली हैं, बच्चों को जिनके सारी कंडीशंस मीट होगी हमने उनको कैश लिंक भेज दी है, वो अपने इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहे हैं, जिस जिसका इंटरव्यू क्लियर हो रहा है वो दे आर गोइंग टुवर्ड्स डिपॉजिट।
डिपॉजिट दें, अपने कैश डॉक्यूमेंट्स दें, सून विद इन वीक्स हम कैश इशू करना शुरू कर देंगे, यू कैन अप्लाई फॉर योर वीजा राइट नाउ। ओके अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो स्टूडेंट जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन फॉर सम रीजंस दे आर डिले, तो हम उनका जो कोर्स है फरवरी या मार्च में स्विच कर सकते हैं? नहीं देखिए कोर्स अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो कैसे करेंगे, हमारा पैरेलल भी है जनवरी में, सो जो बच्चा जनवरी को मिस कर देगा वो फिर सितंबर में जाएगा। हां नो ऑल द कोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल, जो कोर्सेज हमारे पास जनवरी फरवरी अंडरग्रेड अंडरग्रेड हमारे पास है नहीं, और देखिए अंडरग्रेड वी ओनली हैव एलएलबी इन जनवरी, मार्च फरवरी मार्च में अंडरग्रेड और नहीं है। हां अब जैसे हमारे पास बीपीसी जनवरी में है बट इट इज हार्डली लाइकलीहुड कि एक बच्चा जो बीपीसी में जा रहा था अगर वो जनवरी मिस करेगा तो एमएससी के प्रोग्राम्स में या जनरल एलएलएम में जाएगा, तो इट डिपेंड्स। हां LLM SQ1 SQ2 जो जनवरी मिस करता है फरवरी में जा सकता है, मार्च में जा सकता है, दैट्स द ओनली ऑप्शन जो आप कहती हैं। अदरवाइज देन वी हैव जून इनटेक, वी हैव सितंबर इनटेक, उसके प्रोग्राम्स भी थोड़े दिनों में अनाउंस हो जाएंगे। सितंबर में तो ऑब्वियसली सब कुछ होगा, जून में क्या कोर्सेज होंगे वो थोड़े दिन में अनाउंस हो जाएंगे, तो देयर माइट बी ऑप्शन कि जो बच्चा मार्च में नहीं जा सका वो जून की तरफ चला जाए। अच्छा ठीक है, आप ये आपके कोर्सेज मार्च, मैं आपकी आवाज कट रही है सॉरी दोबारा थोड़ी हमारी बर्सरी स्कॉलरशिप अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे ऑल आर देयर, वी आर ऑफरिंग अप टू 4000 बर्सरी जो कि टेक्निकली डिपेंड करता है 1000 pounds से लेके 4000 pounds तक डिफरेंट कोर्सेज पे, हमारा 4000 सिर्फ एक एमबीए जो रिसेंटली अनाउंस किया उसके ऊपर है, अदरवाइज जो हमारे एमएससी के प्रोग्राम है उस पर 2500 to 3000 है डिपेंडिंग ऑन द कैंपस, हमारे जो लॉ के प्रोग्राम है उस पर भी 1000 pounds है, हमारा जितना अंडर ग्रेड है वो 2500 पर ईयर है मगर वो लास्ट ईयर में एडजस्ट होता है बट इट्स 2500 पर ईयर हर बच्चे को मिलेगा जिसको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा भी है फ्यू मोर स्कॉलरशिप जो बच्चे को ऑनलाइन जाके वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है, बर्सरी एवरी स्टूडेंट विल गेट, सो द वेबसाइट इज वेरी वेरी अपडेटेड, यू कैन आपको सितंबर कोर्सेज भी मिलेंगे 2025 के, इनफैक्ट 26 जनवरी के भी कोर्सेज कुछ आपको वहाँ पर नजर आ जाएंगे, तो इट्स वेरी अपडेटेड। ओके तो आपके जो स्कॉलरशिप्स है जो बर्सरी स्कॉलरशिप्स है दैट आर अप टू 4000, अप टू मींस लाइक दे कैन 1000 2000 3 or 4 1000 से 4000 तक है, इसके अलावा अर्ली बर्ड डिस्काउंट है जैसे अभी 27 अक्टूबर तक जो बच्चा अपनी फीस दे देगा उसको 500 पाउंड का अदर देन बर्सरी एक डिस्काउंट मिलेगा, 4000 सिर्फ एमबीए के ऊपर है, एमएससी के जो मास्टर्स के प्रोग्राम है उसमें 2500 to 3000 है, जो लॉ के प्रोग्राम है उसमें 1000 to 1500 है, जो अंडरग्रेड एलएलबी है उस पे 2500 है। ठीक है अच्छा आप लोग का स्पेशली अंडरग्रेड की बात कर रहे हैं, अंडरग्रेड के लिए आप लोग का स्टडी गैप कितना एक्सेप्ट हो सकता है और फॉर पोस्ट ग्रेड इस पे? देखिए अंडरग्रेड के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारी रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट 75% और फाउंडेशन के लिए 60, और अगर आप ए लेवल के बच्चे हैं तो हमें डायरेक्ट 320 चाहिए और अगर फाउंडेशन में जा रहे हैं तो 220 1C चाहिए, डिपेंड करता है हमारा जो देखिए पाकिस्तानी कल्चर यूजुअली व्हाट यूनिवर्सिटी कैन टेक अप टू 3 years गैप इन अंडरग्रेड, बट एक चीज़ है यूनिवर्सिटी एडमिशन और एक चीज़ है वीज़ा को देखते हुए, सो अगर आप हमारा कल्चर देखें नोइंग द कल्चर आपको होता है आजकल सारी दुनिया में अंडरग्रेड के वीज़ों पर थोड़ी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा आ गई है, सो नोइंग द कल्चर पाकिस्तान में ऐसा कल्चर नहीं है कि बच्चे ने अंडरग्रेड या इंटर करके या ए लेवल करके फैमिली को पालना है, बाहर एक कल्चर डिफरेंट है, दे अर्न फ्रॉम द बिगिनिंग, सब एक बच्चा जो 2-2.5 साल से काम नहीं कर रहा पढ़ाई नहीं कर रहा बाद में कि मैं तो घर चला रहा था, सो इट क्लियर्स या उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है या उसके पास फाइनेंशियल इशू है जो कि वीजा पे इम्पैक्ट आता है, एज अ यूनिवर्सिटी वी डू एक्सेप्ट 3 years बट वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप 1 साल के अंदर अंडरग्रेड का बच्चा लें, फॉर मास्टर्स आपका 7-8 साल का भी गैप है मगर वो गैप टेक्निकली होता नहीं है, वो जॉब से कवर्ड होता है, तो इट्स डिफरेंट सिनेरियो, वो 5-6-7 साल भी प्रॉब्लम नहीं करता। इंटर वाले बच्चे को वो अगर 2-2.5 साल बाद आता है ना तो उससे आइल्स क्लियर नहीं होते,
सो देन देयर इज अ इशू, उसके लिए प्रॉब्लम बनता है भी। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसका ए लेवल का बैकग्राउंड है, उस उसके लिए भी आईएलटीएस की जरूरत है? नहीं, अगर उसका ओ लेवल में सीए जैसे बाकी यूनिवर्सिटी लेती है इंग्लिश में तो वो इज एग्जेम्प्टेड। अंडरग्रेड में ओ लेवल का बच्चा एग्जेम्प्टेड है अगर उसके पास ए है, सी है, अबव है इंग्लिश में, और मास्टर्स में वो बच्चा जिसने एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम पढ़ा हुआ है एलएलबी, वो एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी लंदन के प्रोग्राम्स पढ़े हैं, या जिसने बाहर से पढ़ा हुआ है उनको एग्जेम्प्टेड है, यूके से जिसने पढ़ा हुआ है। ओके, जो ऑलरेडी यूके से स्टडी कर रहे हैं तो एग्जेम्पशन है फॉर दोस, लाइक फॉर ऑल द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर जो हमारे यूके के जो भी कोर्सेज है तो उसके लिए आपको एक अच्छा एग्जेम्पशन। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूके से किसी स्टडी किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ लिया, यहाँ पाकिस्तान से कैम्ब्रिज बोर्ड है तो वो तो एग्जेम्पशन है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई जर्मनी से जिसने लास्ट डिग्री ली है या यूएसए वगैरह से, तो उसकी भी एग्जेम्पशन है? वो केस टू केस डिपेंड करता है, वो बच्चा जब अपनी केस अप्लाई करता है तो उसको देखते हैं कि उसने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जिस कंट्री से पढ़ा है, वो कंट्री इंग्लिश टॉट है, वो यूनिवर्सिटी इंग्लिश टॉट है कि नहीं, तो इट डिपेंड केस टू केस। ओके, ऑलराइट। अच्छा, आप लोग के पास हेल्थ कोर्सेज तो, क्योंकि मेरे पास यहाँ जो है कुछ साथ में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो मैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछती जा रही हूँ ताकि साथ साथ जो है हमारे स्टूडेंट को आंसर जी प्लीज। हाँ, हेल्थ साइकोलॉजी और इनसे रिलेटेड आप लोग के पास कोई कोर्सेज की अपडेट्स हैं या नहीं? एग्जैक्टली साइकोलॉजी मैंने आपको बताया कि वी हैव हमारे पास डिफरेंट देखें स्कूल्स हैं, जिसमें लॉ का स्कूल है, बिजनेस स्कूल है, कंप्यूटर साइंस है एंड साइकोलॉजी है। सो वी डेफिनेटली है मास्टर्स में हमारे पास साइकोलॉजी, एमएससी साइकोलॉजी कन्वर्जन है, बीएससी में बीएससी साइकोलॉजी भी है, बीसी साइकोलॉजी विद फाउंडेशन भी है। सो वी डू हैव साइकोलॉजी कोर्सेज, एमएससी साइकोलॉजी और बीएससी साइकोलॉजी दोनों है। और एमएससी साइकोलॉजी के लिए जरूरी इट्स अ कन्वर्जन कोर्स, जरूरी नहीं है कि बच्चे ने जिसने पहले साइकोलॉजी पढ़ी है वही आ सकता है। एनीबॉडी की बिजनेस बैकग्राउंड से भी है, वो कहता है मैंने साइकोलॉजी करना है, वो आ सकता है। लॉ बैकग्राउंड से कहता है साइकोलॉजी करना आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इट मींस कि साइकोलॉजी अवेलेबल है और कन्वर्जन कोर्स भी है, तो प्रीवियस स्टडी के रिलेटेड होना या ना होना दैट इज नॉट प्रॉब्लम और हर्डल फॉर द स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो मैं देखती हूँ अगर मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स को काफी समझ में भी आ गई। इनिशियल डिपॉजिट आप लोग जो है 50% ले रहे हैं, स्कॉलरशिप्स भी आप लोग की बहुत अच्छी है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 अप टू 4000, और एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर हमारे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जाते हैं एमबीए करने के लिए, तो उनके लिए भी 4000 की जो आपकी स्कॉलरशिप है दैट इज रियली वेरी गुड, और आई थिंक दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। यस, ठीक है। अच्छा करान, इसके अलावा कंप्लायंस से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, जहां हमारे स्टूडेंट्स लैकिंग करते हैं या जहां उनको प्रॉब्लम्स होती है, आपको लगता है कुछ गाइडलाइन या कुछ सजेशंस रिगार्डिंग दी कंप्लायंस एंड इंटरव्यू स्पेशली, तो वो आप जरा मुझे बताइएगा। अच्छा, इसके तो देखें बाकी तो सबसे मेन चीज ये है कि टीम आपकी जितने भी एजेंट्स होते हैं उन्होंने दे हैव टू प्रिपेयर स्टूडेंट, फिर हमसे मॉक होता है उसको लेके चलते हैं। एक चीज जो मैंने रिसेंटली भी नोटिस किया विद माय एक्सपीरियंस, जो मैं आपको छोटा सा एक ओपिनियन देना चाहूंगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना एनरोली के ऊपर और कैश शील्ड पे आ गई हैं, एक एआई बेस्ड इंटरव्यू होता है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि व्हेन दे टॉक टू ह्यूमन दे आर प्रीटी गुड, मगर जब वो एआई बेस्ड इंटरव्यू देते हैं वो वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज वो एक स्क्रीन होती है उसके नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1.5 मिनट का टाइम है, स्टूडेंट सम टाइम गेट कंफ्यूज्ड। फॉर दो स्टूडेंट्स आई ऑलवेज प्रेफर कि जब आप अपने बच्चों को स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहे हैं सो उनको एक एआई बेस्ड इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराएं। जब वो घर पे हैं उनसे कहें या उनको एक लिंक भेजें उनसे कहें इस लिंक पे ऑनलाइन आए और उसी तरह एक स्क्रीन यूनिवर्सिटी लॉ का लोगो लगा हुआ है और क्वेश्चन टाइप हो के आ रहा है, 1.5 मिनट का टाइम उन्होंने उस पर आंसर देना है। सो वो दैट इज अ वेरी गुड थिंग जो आप उनको अगर प्रैक्टिस कराएं तो वो एआई इंटरव्यू उनके लिए नया नहीं होगा, सो इट वॉन्ट बी एन इशू फॉर देम। सो दैट्स द ओनली थिंग जो मैंने पिछले दिनों में रियलाइज किया, क्योंकि जब आप ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं ना आपको एक मार्जिन मिल जाता है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आई, आप उसे रिपीट कर सकते हैं, बट एआई में क्योंकि लिखा हुआ है सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि जी आवाज़ नहीं आई, सो वो बच्चा आपको जो मर्जी उस पर अगर अदर देन आंसर कुछ और बात कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सो आई थिंक ये एक प्रैक्टिस कराना बच्चों के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू फॉर सजेशंस करान। हमारे पास दो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश का जो सर्टिफिकेट होता है एमओआई सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट करती है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि यू लॉ नहीं कर रही किसी भी खास किसी एक कोर्स के लिए भी नहीं कर रही, इज़न्ट दैट?
बिल्कुल नहीं कह रही। देखें मैं आपको अभी रिसेंटली, एक तो ये है कि आप देखेंगे रिसेंटली जो लास्ट सितंबर का वीज़ा इशू यूके का आया है, बहुत सारे स्टूडेंट जो एमआई वाले थे उनके दे हैव फेस्ड इशू। प्लस यूलो इट्स वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, हम एक चीज़ के ऊपर बहुत स्टेट है। देखिए हमारा जॉब एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो बहुत अच्छा है, हमारा प्रिविलेज रेशियो इज दी बेस्ट इन यूके अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन इट्स कम टू बार। सो वो कुछ चीज़ें ऐसी कि हमने अपने स्टैंडर्ड पहले से ऐसे सेट किए हुए हैं कि हमारा बच्चा बाद में स्ट्रगल नहीं करता। वो तो एक स्टूडेंट कभी कभी रियलाइज नहीं करता है कि यार फला यूनिवर्सिटी लिवरेज दे रही है वहाँ चले जाओ, फला ये चीज़ कम दे रही है, 1000 pounds सस्ती वहाँ चले जाओ। बट होता ही है कि इन द एंड तो अपना फ्यूचर सिक्योर करने जा रहे हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, अगर आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, अगर आपको अच्छी डिग्री के आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी नहीं है, बाद में पेपर रेशो अच्छी नहीं है, तो आपने उस 1000 pounds को बचा के क्या करना है, आपने उस आयल्स के टेस्ट को बचा के क्या करना है। सो हमारा अपना एक स्टैंडर्ड है जिसको हमने सेट किया हुआ है, जिसके ऊपर हम बिल्कुल भी किसी किस्म के निगोशिएशन नहीं चाहते हैं, बिकॉज हमें पता है कि इसके बाद जो बच्चा हमारे पास आता है उसकी ग्रोथ क्या है, उसका कैरियर कैसा है। सो वी आर प्रीटी स्ट्रेट ऑन दैट। एग्जैक्टली और वही स्टूडेंट जो कि आईएलटीएस पीटी के साथ है, मैं स्टूडेंट्स के लिए एक चीज बता रही हूँ, जो भी स्टूडेंट्स अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं या बाद में ये प्रोग्राम जो हमारा सेशन है इसको चेक करेंगे, स्टूडेंट्स जो कि ज्यादा प्रेस्टिजियस तरीके से जाते हैं, दे हैव आईएलटीएस एंड यू नो दे हैव एनी इंग्लिश गुड टेस्ट और देयर परसेंटेज इज रियली वेरी गुड, तो उनके जो एम्बेसी में भी कोई इशू नहीं होता और उनका वीजा रिजेक्शन या वीजा रिफ्यूजल के भी चांसेस लेस हो जाते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम हमारे स्टूडेंट्स नॉर्मली आजकल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एमओआई के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, बट आई थिंक दैट दे इवन इफ देयर एमओआई इज एक्सेप्टेड उनको कोई इंग्लिश कोर्स जो है वो मस्ट है, बिकॉज इफ वी आर गोइंग इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज सो आवर इंग्लिश लेवल शुड रियली बी वेरी गुड। एग्जैक्टली हमारा इसमें एक और चीज, देखिए मैं बच्चों के लिए ना एक बड़ी जरूरी चीज है, दे नीड टू अंडरस्टैंड, देखिए दे आर यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैकमिलन, मैकमास्टर, एमआईटी, अब उन सबकी रिक्वायरमेंट 3.4 3.5 उससे ऊपर है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी है 2.4 पे लेती हैं, सो बच्चा ऑक्सफोर्ड अप्लाई करके उन्हें ये क्यों नहीं कहता कि देयर यूनिवर्सिटी जो कि 2.4 पे लेती हैं, दे विल नेवर टेक, बिकॉज उन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और उनको पता है कि जो बच्चे को वो पढ़ाते हैं वो जो क्लास ले रहे हैं और उसके बाद जो बच्चा जाता है बाहर उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। सो सिमिलरली वी अंडरस्टैंड, देखिए बार इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स व्हेन इट्स कम टू लॉ इन यूके, वी हैव द हाईएस्ट पीपलेज रेशियो, पीपलेज बार में वो जो बहुत से लोगों में इंग्लिश मूवी देखा होगा विग पैंथर कील, वो विग मिलती है उसके पिपलेज मिलती है जिसके लीगली अपने आप को बैरिस्टर कहला सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बैरिस्टर जो हमारी कंट्री में है वो उनमें से बैरिस्टर लीगली नहीं है, उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की हुई है बट उन्होंने वो 4 साल का पिपलेज नहीं ली हुई है, वो सारी पी नहीं काटी हुई, वो सारा एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ। सो उसको लेने के लिए एक बहुत एक आधी यूनिवर्सिटी 2-2 लेती है, मगर जब उनकी पिपलेज रेशो को देखते हैं सो दे आर वेरी लो इन कंपेरिजन टू यूनिवर्सिटी लॉ। उसकी वजह यही है कि जब एक लो क्वालिटी स्टूडेंट को या ऐसे स्टूडेंट को उस पर लेते हैं जो क्राइटेरिया पूरा नहीं आ रहा या जो एफर्ट आपने उसको टाइम पे करानी थी नहीं कराई, तो बाद में जाके बच्चा सफर करता है। सो वी डू नॉट वॉन्ट कि हम अपना स्टैंडर्ड नीचे ऐसे कर दें कि बच्चा आ जाए बाद में जाके बच्चा सफर करे, नोइंग दैट कि स्टूडेंट कल को बैरिस्टर के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा चीज़ों के लिए या किसी और चीज़ के लिए नहीं करेगा। तो इसलिए हमने विद एक्सपीरियंस, हमारा 150 साल की हिस्ट्री है, सो दे लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर हमारे पास ऑलमोस्ट 1 lakh के करीब एलुमनाई है सो वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हमने उस हिस्ट्री को लेते हुए देखते हुए सेट किया कि हम एमओई पे नहीं जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फरहान, बहुत अच्छा हमारा सेशन रहा, स्टूडेंट्स के लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव होगा। तो वो स्टूडेंट्स जो कि यू लॉ के साथ अपने जनवरी का इंटेक जो है सिक्योर करना चाहेंगे वो हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है फोन नंबर भी है और फरहान भी होंगे हमारे साथ, इंशाल्लाह वी विल बी गिविंग यू ऑल गाइडलाइंस और हम आपके लिए अप्लाई करेंगे। डिले नहीं करें क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स नॉर्मली बिल्कुल एट द 11th आर कोई भी इनटेक के लिए कहते हैं कि हमें ये इनटेक अब चाहिए और दैट इज द 11th आर, तो सब चीजें मैनेज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन सिक्योरिंग देयर जनवरी इनटेक। नो बट इंटरनल टेस्ट ओके, या इंटरनल टेस्ट बिल्कुल, इंटरनल टेस्ट का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है, एमओआई का जो ऑप्शन है दैट इज नॉट अवेलेबल। इफ यू थिंक योर इंग्लिश इज गुड बट यू आर स्ट्रगलिंग इन बुकिंग यू एनी ऑफ योर इंग्लिश टेस्ट, सो यस यूलो इज गिविंग यू दिस ऑप्शन, यस डेफिनेटली दैट वी आर ऑफरिंग।
Okay, thank you so much, Karan. Thank you so much, students, those who are really want to apply in U Law, जिसकी ranking भी अच्छी है, जिसके campuses भी है throughout the UK, तो आपको courses भी मिल रहे हैं, health से related भी courses आपको मिल रहे हैं, business से related भी courses हैं, और आपके पास courses available हैं law से भी related. So this is really very good opportunity for all the students. Thank you so much for being with Thank us. You so much for we'll these sessions continuity mein rakhenge inshallah taki bachon ke liye clarity aate rahe inshallah. Thank you so much for Thank you so much Farhan. Thank you so much. Allah Hafiz.